हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जवेरिया लाइफ स्टाइल एंड फूड ब्लॉग्स। जैसे कि आज तड़के वफा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरियल चल रहा है, और इस वक्त इस ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा जो है अनीला का किरदार बहुत मेन किरदार अदा करता है। आज की किस्त में जैसे कि आपने देखा 74 एपिसोड में कि अनीला की तमाम हकीकत जो है वो सब टाइम पर उसके तमाम भाई बहनों पर जाहिर हो गई है। वो माफ़ी मांगने के लिए मरियम के पास आता है, लेकिन मरियम जो है बिल्कुल भी माफ़ करने के हक़ में नहीं होती है। उसकी तमाम गलतियों को ताया उसे याद दिलाती है कि किस तरीके से अनिला अपी ने जो है वो मेरी माँ को जो है मारने के लिए साजिशें रचाई, मेरे बच्चे को जो है मारने के लिए स्कीमें जो है वो बनाती रही, मेरे साथ दवाइयाँ उन्होंने चेंज की, और इसके अलावा हम दोनों मियाँ बीवी में भी दूरियाँ पैदा करने की कोशिश की। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं। यहाँ पर अनीला जो है वो अपनी बहनों पर शोर मचाती है, उसे जीला और अनम उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि आप रहिए इस महलुमा घर में अकेले, सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, और सप्तन भी आपको छोड़कर चला गया है। सप्तन बहुत परेशान होता है क्योंकि मरियम उसे माफ़ नहीं करती, और वो शहीर के पास जाके जो है रात को स्टे करता है। शहीर उसे समझाता है कि मैं जो है मरियम को समझाने की कोशिश करूँगा, और जो है तुम्हें क्या ये नहीं मालूम कि मरियम की कैफियत जो है वो इस वक्त सही नहीं है, तुम बाप बनने वाले हो, और मरियम उम्मीद से यहाँ आसिफ़ की हकीकत जो है सबके सामने आया हो जाती है। मरियम को पता चल जाता है कि आसिफ जो है वो अनिला के साथ मिला हुआ है, और उस की वजह से जो है अम्मी को तमाम साजिशों का पता चल गया था, और जिसकी वजह से अम्मी की मौत हो गई है, और उनके मोबाइल में से जो वो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो थी जो कि उसने अनीला और आसिफ की बनाई थी वो सबके सामने जाहिर हो जाती है, और उसके वालिद बहुत शोर मचाते हैं जिस पर वो इसे गालम गलोच करता है। यहाँ अनीला अभी भी बाज नहीं आई, अभी भी वो आसिफ से कहती है कि तुम मरियम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूँगी। अब के एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है कि अनीला अपने अंजाम को पहुँचेगी, उसकी हकीकत सब पर आश्कार हो गई है, तो क्या उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, या मरियम जो है वो आपकी किस्म में ऐसा क्या होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस के प्रोमो जो है वो आपके सामने हाजिर हो सके।